लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल वेट होता है वो कम हो जाता है एंड हमें ऑब्जेक्ट का एक अपेरेंट वेट दिखता है जो कि एक्चुअल वेट से कम होता है। ठीक है, हमने बात करी थी कि जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर रखते हो तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चारों तरफ से थ्रस्ट लगती। अब जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है मतलब ये वाली और ये वाली, तो ये तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कैंसिल कर रहे थे। बट ये जो वर्टिकल थ्रस्ट है मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लगने वाली थ्रस्ट, कि एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे। अच्छा, अगर हमें सरफेस ए बोलते हैं इसको सरफेस बी बोलते हैं, किस पर ज्यादा थ्रस्ट लगती है, ऊपर के नीचे? नीचे। भूल गए, सब भूल गए, नीचे। बेटा आपको एक पॉइंट ये भी बताया था कि आपने स्पेस में एक पॉइंट लिया, आपने जैसे हवा में एक पॉइंट लिया यहाँ पे ए, अब अगर इसी, अच्छा इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, क्या इस पॉइंट पे हवा में ये पॉइंट पे प्रेशर लग रहा है? Yes, कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डोनेट करते हो पी नॉट से, किससे? पी नॉट से। अच्छा, अगर इसी पॉइंट को हम एक कंटेनर के अंदर ले जाए, इसी पॉइंट को हम एक कंटेनर के अंदर रख दे जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ हमने, ठीक है, उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो, और ये जो पॉइंट है अब लिक्विड के फ्री सरफेस से एच हाइट नीचे है। देखो सब समझो, फिजिक्स से समझ नहीं पड़ेगी। ये पॉइंट पहले हवा में था तो इस पे प्रेशर था पी नॉट, अब इस पॉइंट को हम एक लिक्विड के अंदर ले गए जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो, और ये पॉइंट इस लिक्विड के फ्री सरफेस से एच हाइट नीचे चला गया, तो अब इस पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट तो लगेगा ही लगेगा एंड साथ में एक प्रेशर लगेगा जिसका वैल्यू होगी एच रो जी। एच वॉज द हाइट ऑफ द लिक्विड अबव इट, यहाँ पे एच क्या है, हाइट ऑफ द लिक्विड अबव दिस पॉइंट, समझ आ गया। रो वॉज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, मैंने आपको उस दिन ये भी बताया था वो जो ओशन गेट की सबमरीन फटी थी अंदर की तरफ, आपने वर्ड सुना होगा इम्प्लोड हुई है। इम्प्लोड का मतलब पता क्या होता है, जब कोई चीज अंदर की तरफ फटती है। एक होता है एक्सप्लोजन, जब अंदर से एनर्जी बाहर निकलती है, समझो एक्सप्लोजन का मतलब होता है अंदर से चीज एनर्जी बाहर निकलना, इम्प्लोजन का मतलब होता है एनर्जी का अंदर जाना, समझ आ गए। अब जैसे जैसे वो सबमरीन समुद्र के अंदर जा रही थी, देखो पहले सबमरीन यहाँ पे थी, धीरे 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 वो हाइट पे जाती गई। अब देखो जैसे जैसे ये हाइट बढ़ती जाएगी इस पॉइंट पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब वो जो ओशन गेट की सबमरीन थी वो बनी हुई थी कार्बन फाइबर की, वो बाहर का इतना प्रेशर झेल नहीं पाई, तो उस प्रेशर की वजह से उन्होंने क्या, उसने क्या किया, उसकी दीवारों पे ऐसे पिचका दिया और अंदर के बंदे एटॉमिक लेवल तक टूट चुके थे, उस दिन हमने पढ़ा था ना। अच्छा, अब एक बात सोचो, इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट इमेजिन कर लो और इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट इमेजिन कर लो, इस पॉइंट की जो फ्री सरफेस है हाइट है वो अगर h1 है, ठीक है, तो इस सरफेस की फ्री सरफेस से इस पॉइंट की फ्री सरफेस से हाइट h2 मान लो, कौन ज्यादा हाइट पे, मतलब ये वाला पॉइंट ज्यादा नीचे डेप्थ पे है, हाँ या ना, हाइट नहीं बोलेंगे इसको, डेप्थ बोलेंगे। ये वाला पॉइंट फ्री सरफेस से ज्यादा डेप्थ पे है तो इस पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। इसका अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ से देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। अब अगर प्रेशर इस पॉइंट पे ज्यादा है तो इस पॉइंट पे फोर्स भी क्या लग रही होगी, ज्यादा। इसका मतलब ये दोनों थ्रस्ट के कारण इस बॉडी के ऊपर एक नेट थ्रस्ट लगेगी, किस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में। और हमने इस नेट थ्रस्ट को क्या बोल दिया था, क्या बोला था, बायोंट फोर्स। बेटा ये दोनों थ्रस्ट ने जो कैंसिल करके नेट रिजल्ट फोर्स पैदा करी ना ऊपर की तरफ, इसको हमने क्या बोला, बायोंट फोर्स। और हमने इसी को वजह बोला कि ये बायोंट फोर्स लग रही बॉडी के ऊपर, यही वजह से बॉडी का जो एक्चुअल वेट है वो क्या हो रहा है, कम। ध्यान से समझो यार, मैंने उस दिन आपको वेइंग मशीन का एक तरीका बताया था कि वेइंग मशीन आपको वेट कैसे बताती है। ये आर्यन था, आर्यन के ऊपर धरती की वजह से डब्ल्यू नाम की फोर्स नीचे लग रही थी, आर्यन यही फोर्स किसको लगा रहा था, वेइंग मशीन को, तो वेइंग मशीन आर्यन को क्या दे रही थी, आर। क्या दे रही थी, आर। अब सपोज करो जब आर्यन पानी में गया, आर्यन पानी में चला गया, आर्यन पानी में चला गया, पानी में जाके आपने देखा कि आर्यन के ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही, कौन सी, बी, बायोंट फोर्स लग रही। अब अगर आप चेक करोगे आर्यन के ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी होगी, डब्ल्यू माइनस बी, W पहले नीचे लग रही थी पानी के कारण, ऊपर फोर्स लगी थी तो नेट फोर्स कितनी लगी, W माइनस बी, आया ना। yes, sir. तो पहले आर्यन फोर्स लगा रहा था वेइंग मशीन के ऊपर W, अब लगा रहा है W माइनस बी, तो अगर अब आर्यन ने इस वेइंग मशीन पे वेट कम लगाया तो ये जो वेइंग मशीन R भी क्या लगाएगी, कम लगाएगी। तो R को मैंने क्या बोला था, R ही तो आपका क्या होता है एक्चुअल में, R से तो वो आपको मास कैलकुलेट करके बताती है। तो बंदा जैसे देखो अब
पहले आर्यन फोर्स लगा रहा था W, पानी के अंदर जाके जो उसकी फोर्स होगी वो W माइनस V, उसे कॉरेस्पॉन्डिंग R भी क्या हो गया कम। जब R कम हुआ तो एक्चुअल में उसकी मास की वैल्यू भी क्या आएगी कम आएगी, उसको लगेगा मैं क्या हो गया हल्का, पर एक्चुअल में वो कम हुआ होता है क्या? एक्चुअल में जब आर्यन पानी के अंदर जाएगा क्या उसका सचमुच में मास वेट कम हो गया क्या? वो एक अपेरेंट चीज है, मतलब दिखेगी बट एक्चुअल में नहीं हुई, समझ आ गई बात? अच्छा, अब इसी प्रिंसिपल को, इसी सारी चीज को ना आर्किमिडीज ने अपने प्रिंसिपल के फॉर्म में बता दिया। उन्होंने बोला कि देखो कोई कैलकुलेशन ना करो, आप मेरा कंसेप्ट समझो। उन्होंने कंसेप्ट क्या बताया, कहते हैं कि देखो जी सपोज करो ये लिक्विड के कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ आपने, आपने एक बॉडी को इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब इस बॉडी ने अंदर जाके कोई स्पेस तो ऑक्यूपाई करी होगी ना, सपोज करो इस बॉडी का वॉल्यूम था वी, अब बॉडी जैसे ही इस लिक्विड के अंदर जाएगी ये वी स्पेस के लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगी, हाँ या ना? Yes, sir. मतलब जो इस जगह पे लिक्विड होगा वो उसको धक्का मार के खुद उसकी जगह पे लग जाएगी। Yes, sir. अच्छा, ऐसा करते कहते सपोज आपने ऐसा करो, जो लिक्विड इस बॉडी ने धक्का मार के बाहर निकाला ना उसका मास निकाल दो, ठीक है, उसको बोल दो मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। कहते मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस को मल्टीप्लाई कर दो जी से, तो आपके पास क्या आ जाएगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। अब उन्होंने मोटी मोटी बातें बोली थी, उन्होंने हमें यह बताया था कि किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली जो बायोंट फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, समझ आ गया। अब मैं आपको उसमें कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, उन्होंने बोला कि जो बायोंट फोर्स है बॉडी के ऊपर लगने वाली This is actually equal to the weight of the liquid displaced. Yes. अच्छा, weight का formula क्या होता है? Mass of the liquid into g. अच्छा, आपको density का relation याद है? Density is equal to क्या होती है? Density is equal to mass upon volume. देखो मैं density को भी ना दोबारा करवाऊंगा एक बार। Density का formula होता है mass upon volume. तो यहाँ से mass किसके बराबर आ जाएगा? Density into volume. हाँ या ना? Yes, sir. इसका मतलब मास ऑफ द लिक्विड को आप किसके बराबर लिख सकते हो? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू जी, समझ आ गए? अच्छा, अब इसमें ना देखो ध्यान से बेटा, जब बॉडी फ्लोट करती है ना दो केस बन सकते हैं। देखो जब बॉडी के बॉडी पानी के अंदर होगी ना दो केस बन सकते हैं, या तो बॉडी इस तरह से हल्की सी डूब के फ्लोट कर रही, दूसरा केस, या बॉडी इस तरह से पूरी डूब के फ्लोट कर रही है, ठीक है। एक्चुअल में ये दूसरा केस नहीं बनाया गया, हम बोलेंगे या तो बॉडी इस तरह से फ्लोट कर रही होगी या बॉडी इस तरह से सिंक कर रही होगी, समझ आ गए? अच्छा, इस केस में मतलब पहले इस केस की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं इस केस में व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, बेटा ये न्यूमेरिकली इक्वल आ जाएगा किसके? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। देखो यहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी पानी के अंदर, हाँ या ना? अब पूरी की पूरी बॉडी अगर पानी के अंदर है तो उसने अपने वॉल्यूम जितना वाटर क्या किया होगा? डिस्प्लेस किया होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूरी बॉडी अंदर है ना आपको पता लग गया और आपको निकालना कि उसने कितना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस करा, तो जितनी बॉडी की खुद की वॉल्यूम होगी उसने उतना ही लिक्विड क्या किया होगा? डिस्प्लेस। अच्छा, इस केस में बताओ मेरे को, इस केस में बॉडी थोड़ी बाहर है थोड़ी अंदर, हाँ या ना? Yes, क्या इस केस में वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बराबर आएगी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी के? नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, सिर्फ इतना पोर्शन बॉडी का पानी के अंदर, हाँ या ना? Yes, sir. तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आएगी ना वो पता किसके बराबर आएगी? वॉल्यूम ऑफ द शेडेड रीजन, वॉल्यूम ऑफ द शेडेड रीजन। इस पॉइंट से समझना क्या आपने, अगर एक बॉडी पूरी की पूरी पानी के अंदर है then volume of the liquid displaced is equal to volume of the body. But body अगर इस तरह से पानी के ऊपर float कर रही है, then volume of the liquid displaced is not equal to the volume of the body. समझ आ गए? मैं आपको क्यों बता रहा हूँ as a point, क्योंकि आपको इसके ऊपर एक question आएगा कि एक body पानी में डाली और वो sink कर गई, body को हमने पानी में डाला और वो sink कर गई, what is the volume, how can the volume of liquid related to the volume of body? वो से ज्यादा होगी, कम होगी, बराबर होगी, या नन ऑफ दीज, ऐसा कोई ऑप्शन दे देगी। तो जब एक बॉडी पूरी की पूरी सिंक कर चुकी है, देन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इटसेल्फ, एंड अगर वो फ्लोट कर रही है तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज नॉट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ये पॉइंट समझ गए? यस सर। हां या ना? यस सर। अच्छा, उस दिन हमने लॉज ऑफ फ्लोटेशन की बात कर ली थी। यस
अच्छा हमने बोला कि जैसे आप किसी बॉडी को फ्लूइड के अंदर डालते हो उसके ऊपर एक तो अपनी वेट नाम की फोर्स लग रही होती है और एक बायोंट फोर्स लग रही होती है, हाँ या ना? Yes, अच्छा फ्लोटिंग के लिए मैंने कौन सी कंडीशन बताई थी, बॉडी फ्लोट कब करेगी? जब डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा? बी के। डब्ल्यू किसके बराबर होगा? बी के। अच्छा अब अगर डब्ल्यू बी से लेस है मतलब बायोंट फोर्स ज्यादा है डब्ल्यू कम है तो बॉडी गलत, बॉडी राइज करेगी। यार आप ऐसे समझ लो ना, बी ज्यादा डब्ल्यू कम है इसका मतलब बी ज्यादा डब्ल्यू कम तो बॉडी किधर जाएगी? ज्यादा फोर्स वाली तरफ नहीं जाएगी वो, तो बॉडी किधर जाएगी? राइज करेगी, ऊपर करेगी जाएगी, हाँ या ना? यस सर। अच्छा ये राइज क्यों कर रही है बेटा? ये राइज इसलिए कर रही है ताकि ये अपने बी को क्या कर सके? डिक्रीज। ये अपने बी को डिक्रीज करके किसके बराबर करेगी? डब्ल्यू के बराबर करेगी। और जैसे डब्ल्यू बी के बराबर हो जाएगा क्या करेगी? बॉडी झुकने लग जाएगी। समझ आ गई? अच्छा आपको मैंने उस दिन एग्जांपल भी दी थी जहाँ पे आपने एक बॉल पेन रख दी, बॉल पानी से ऊपर आती है। अच्छा सपोज करो मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा और वो ऊपर आ रहा है, तो बताओ बायोंट फोर्स ज्यादा की वेट ज्यादा? बायोंट फोर्स। कौन ज्यादा है? बायोंट फोर्स। बॉडी ऊपर आ रही है ना। अच्छा बॉडी ऊपर आके ना फ्लोट करने लग गई, इसका मतलब उस कंडीशन पे वेट और बायोंट फोर्स क्या है? इक्वल। क्या है? इक्वल। समझ आ गया? इसका मतलब यहाँ पे बॉडी ने अपनी बायोंट फोर्स को क्या किया? कम किया। क्या किया? मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करेगी, ध्यान से देखो। अच्छा बायोंट फोर्स किसके बराबर है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, हाँ या ना? यस सर। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसके बराबर है? मास ऑफ द लिक्विड इनटू जी। मास ऑफ द लिक्विड किसके बराबर है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, हाँ या ना? यस सर। अच्छा देखो ध्यान से, सपोज करो बॉडी यहाँ पे थी, ये बॉल यहाँ पे थी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ द बॉल, हाँ या ना? यस सर। अच्छा अब बॉल जब ऊपर आएगी, आप कभी मैच देखना, कभी बॉल सिर्फ इतना हिस्सा बाहर निकालेगी और सिर्फ इतना हिस्सा डूबेगी, हाँ या ना? इसका मतलब उसने अपनी वॉल्यूम का मैक्सिमम हिस्सा पानी के क्या निकाल दिया? बाहर। और बहुत थोड़े से हिस्से का उसने लिक्विड क्या किया? डिस्प्लेस। अल्टीमेटली उसने वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस को क्या कर दिया? कम। जब ये कम हुई तो ऑब्वियसली WE भी क्या होगी? कम। क्योंकि ये किसके बराबर थी? इसके बराबर। जब इसमें से वॉल्यूम कम होगी तो ये भी कम हो गया, और जब ये कम हुआ तो बायोंट फोर्स भी क्या होगी? कम। मैंने यही तो बोला था आपको कि जब बॉडी के ऊपर बायोंट फोर्स ज्यादा लगेगी वेट कम, एक तो बॉडी ऊपर आएगी, दूसरा बॉडी ऊपर कब तक आएगी? जब तक उसका W और B बराबर नहीं हो जाता। क्लियर है? yes, अच्छा अगर W, अब तीसरा केस, अगर W B से ज्यादा हो तो नहीं, क्या इस केस में कभी W B के बराबर होगा? नहीं। इस केस में W B के बराबर कभी भी नहीं होगा। क्लियर है? पक्का? yes, sir। ये बात क्लियर है ना? अच्छा डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? देखो अगर हम डेंसिटी को सिंपल भाषा में डिफाइन करें ना, इट इज घनापन ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब कि उसके अंदर कितने क्राउडेड एटम्स हैं, एटम जो हैं वो कितने क्राउडेड हैं, मतलब पास पास हैं कि दूर दूर, समझ आ गए? क्योंकि आपने याद है प्रोड्यूस करा हुआ है डेंस फॉरेस्ट, डेंस का मतलब क्या होता है? घना, मतलब उसमें पेड़ क्या थे? बहुत ज्यादा, समझ आ गए? तो डेंसिटी एक टर्म होती है बेटा जो ना हमें किसी सब्सटेंस का घनापन बताता है, ठीक है? अब ये मेजर कैसे किया जाता है? स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट आया ना वो कहते हैं कि देखो जी डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। स्टार्टिंग में उन्होंने बोल दिया कि डेंसिटी किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होगी। पर ये कंसेप्ट ना सरासर गलत हो गया। कैसे? ये इसलिए गलत हो गया कि अगर आप ऑब्वियसली एक बड़ा ऑब्जेक्ट लोगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलने का चांसेस भी क्या होंगे? ज्यादा। ये तो कंसेप्ट ही गलत है। अब अगर हमें इन दो ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी कंपेयर करनी है, मतलब इनका घनापन कंपेयर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ना एक मेथड फॉलो करना पड़ेगा, आपको इनमें से एक यूनिट वॉल्यूम लेनी पड़ेगी। अब इन दोनों में से इक्वल वॉल्यूम लीजिए, यहाँ से भी वी और यहाँ से भी वी, और उस यूनिट वॉल्यूम में आप क्या काउंट कर लीजिए? नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या कैलकुलेट कर लीजिए? नंबर ऑफ पार्टिकल। अब जिस बॉडी के इस यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा आ गए आप बोल देना कि वो ज्यादा डेंसर है, और जिसके कम आ गया बोल देना उसकी डेंसिटी क्या है? कम। तो हमने क्या एक फॉर्मूला बना लिया डेंसिटी का कि आपको कभी भी अगर किसी भी रैंडम बॉडी की डेंसिटी निकालनी है जिसका मास m है, आप क्या करिए? आप इसकी वॉल्यूम मेजर कर लीजिए, पूरी की पूरी वॉल्यूम मेजर कर लीजिए, हाँ या ना? yes, ठीक है। अच्छा उसके बाद ना फॉर्मूला लगा दीजिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है? अच्छा ये चीज समझ आ गई, डेंसिटी का मामला पता लग गया, मास अपॉन वॉल्यूम।
अच्छा डेंसिटी यूनिट्स क्या आएंगे, मास के यूनिट्स क्या होते हैं केजी, अच्छा वॉल्यूम के यूनिट्स क्या होते हैं सेंटीमीटर। आपको पता है वॉल्यूम होती है ना, मैं आपको बता देता हूँ बेटा, एक होता है एरिया, एक होती है वॉल्यूम। जो एरिया होता है ना ये किसी बॉडी की दो डायमेंशन से बनता है, लेंथ ब्रेथ, ठीक है, तो इसके यूनिट्स आ जाते हैं मीटर स्क्वेयर। वॉल्यूम ना किसी बॉडी की थ्री डायमेंशन से बनता है, किससे बनता है थ्री डायमेंशन, समझ आ गया। इसलिए वॉल्यूम निकालनी भी थ्री डायमेंशनल बॉडी की जाती है। मतलब अगर आप मेरे से पूछो कि इस बोर्ड की वॉल्यूम है तो मैं कहूंगा नेग्लिजिबल है, मैं क्या बोलूंगा, बट इसका एरिया बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो ना आप ध्यान से देखोगे इसके पास लेंथ है, इसके पास ब्रेथ है, इस पर डेप्थ तो है ही नहीं, थर्ड डायमेंशन तो है ही नहीं। तो जिन बॉडी के पास सिर्फ दो डायमेंशन होती है उनका निकाला जाता है एरिया, जिनके पास तीन डायमेंशन होती है उनका निकाला जाता है वॉल्यूम, समझ आ गया। तो यहाँ पे इसका मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट को हमने मल्टीप्लाई करा होगा इनडायरेक्टली, तो जो वॉल्यूम के यूनिट्स होते हैं ना बेटा वो बन जाते हैं मीटर क्यूब। क्या बनते हैं मीटर क्यूब, तो डेंसिटी के यूनिट्स हो जाते हैं केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, समझ आ गए। अच्छा अब ना मैं आपको एक और टर्म करवाने जा रहा हूँ, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। अच्छा अब रिलेटिव डेंसिटी टर्म क्यों हमने निकाली, मैं इसका कारण बताता हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगा इसका फॉर्मूला। देखो रिलेटिव डेंसिटी में हम क्या करेंगे, हम ना किसी बॉडी की डेंसिटी को, मतलब डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस को कंपेयर करेंगे किसके साथ, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, समझ आ गया। आपने रिलेटिव किसी बॉडी की, किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, आपने क्या करना है, आपने डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस को डिवाइड कर देना डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। पानी की जो डेंसिटी होती है ना वो 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, देखो पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें लॉजिक एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं क्योंकि मैं काफी बारी कर चुका हूँ। पानी की डेंसिटी 4 डिग्री पे क्या होती है मैक्सिमम, समझ आ गया, ना 0 पे ना 1 पे ना 2 पे ना 3 पे ना -10 पे, पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है कब 4 डिग्री। अच्छा पानी की स्टेट 0 डिग्री पे क्या होती है, लिक्विड और सॉलिड दोनों हो सकती है। अच्छा पानी की स्टेट, वाटर की स्टेट एट -10 क्या होगी, और 110 पे क्या होगी, 110 पे, 110 पे गैसियस। बेटा 100 डिग्री पे उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट के पार कौन सी स्टेट होती है गैस। चलिए तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ टर्म हमने क्यों निकाल ली, देखो आपको सिंपल सी बात बताने जा रहा हूँ। आपको चेक करना होता है कि कोई चीज डूबेगी, हम जैसे सपोज करो हमने एक शिप बनानी है, हमने क्या बनानी है शिप, शिप में ना रिलेटिव डेंसिटी का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। कैसे, मैं आपको साफ बता रहा हूं, अगर रिलेटिव डेंसिटी एक से कम आए, क्या आए एक से कम, तो वो चीज पानी के ऊपर क्या करेगी फ्लोट, और अगर रिलेटिव डेंसिटी एक से ज्यादा आए तो वो पानी के ऊपर क्या करेगी सिंक। तो सपोज करो मैंने आपके सामने 10 पर्टिकल रख दिए और आपसे पूछा कि बताओ जी आप किस चीज की बोट बना सकते हो किसकी नहीं बना सकते, तो सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना है उसकी रिलेटिव डेंसिटी, अगर रिलेटिव डेंसिटी एक से कम तो फ्लोट, और अगर इससे ज्यादा तो सिंक, क्लियर है। यस सर, इसलिए हमने टर्म बनाई रिलेटिव डेंसिटी। अब आपको डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी की बड़ी समझ लग गई, क्योंकि देखो इस चैप्टर में हमने फ्लोटेशन करी है ना, क्या करी है फ्लोटेशन, तो आपको रिलेटिव डेंसिटी की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। तो किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी से हमें पता चलता है कि वो सब्सटेंस पानी में डूबेगा कि तैरेगा, अगर उसकी रिलेटिव डेंसिटी एक से बड़ी आ जाए तो वो डूब जाएगा, और अगर एक से छोटी तो तैर जाएगा पानी के ऊपर वो। अच्छा अगर रिलेटिव डेंसिटी एक के बराबर आ जाए तो आपको पता है वैसे आती नहीं है बेटा, एक्चुअली सुनो रिलेटिव डेंसिटी एक आने का मतलब खुद में पानी है, तो क्या पानी को पानी से कंपेयर करोगे तभी तो वन आएगा, प्रेशर है ना, प्रेशर की वैल्यू वन आएगी जब ऊपर नीचे क्या होगा सेम, तो रिलेटिव डेंसिटी वन आने का मतलब नहीं है, या तो एक से कम आएगी या एक से ज्यादा, एक से कम का मतलब फ्लोट और एक से ज्यादा मतलब सिंक, क्लियर है। यस सर। अच्छा एक और चीज भी है ध्यान से देखो, एक तो आप सब्सटेंस के रिलेटिव डेंसिटी से कंपेयर कर सकते हो कि सब्सटेंस डूबेगा कि तैरेगा, दूसरा क्या कर सकते हो आप ना ऐसा करो आप सब्सटेंस की डेंसिटी निकालो, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालो, सपोज करो आपको रिलेटिव डेंसिटी, देखो या तो डायरेक्ट आपको रिलेटिव डेंसिटी के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, सपोज करो आपको ये नहीं याद आ रहा, ये कंसेप्ट नहीं याद आ रहा कि हाँ सर ने क्या बताया था, तो आप क्या करो आप किसी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालो, जैसे कि ये लास्ट क्वेश्चन है ना ये इसी के ऊपर बेस्ड है, आप किसी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालो और उसको कंपेयर कर लो किसके साथ, डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ, किसके साथ डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ, अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वाटर से ज्यादा आ जाए
तो ये सिंक कर जाएगा, और अगर कम आ जाए तो फ्लोट कर जाएगा। समझ आ गई? द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन द वॉटर इफ द डेंसिटी ऑफ वॉटर इज 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी द मास ऑफ वॉटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट। ध्यान से देखना बेटे, पहले वो कहते हैं कि पैकेट है जिसका मास कितना है 500 ग्राम और इस भाई साहब की वॉल्यूम कितनी है 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और आपको क्या दे रखी है, आपको डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है कितनी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और आपको बताना कि ये सब्सटेंस पानी में तैरेगा कि डूबेगा। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया होगा, सब्सटेंस की क्या निकाल लो डेंसिटी, क्या निकाल लो डेंसिटी, और उसको कंपेयर कर लो किसकी डेंसिटी से, वाटर की। अगर डेंसिटी ज्यादा आ जाएगी तो वो पानी में, मतलब अगर उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा आ गई पानी में डूब जाएगा, और अगर कम आ गई तो फ्लोट। इसका मतलब यहाँ पे आपको सब सब्सटेंस से क्या निकालनी है डेंसिटी, उस पैकेट की डेंसिटी निकालनी। अरे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा साफ साफ दिख रहा है। एक और चीज देखो भाई, इधर जब ऊपर एक बड़ा नंबर हो और छोटा एक नीचे एक छोटा नंबर हो ना, तो आप बिना कैलकुलेशन करे बता सकते इसका आंसर एक से बड़ा आएगा। ऊपर बड़ा नंबर हो, देखो ये शॉर्टकट्स है बेटा मैथमेटिक्स के ना, तुम्हें आने चाहिए अपना ब्रेन फास्ट करने के लिए। ऊपर एक बड़ा नंबर हो और नीचे एक छोटा नंबर हो तो आंसर एक से बड़ा आएगा। ऊपर एक छोटा नंबर हो और नीचे एक बड़ा नंबर हो, आंसर एक से छोटा आएगा। समझ आ गए? अब यहाँ ऊपर बड़ा है नीचे छोटा, तो आंसर क्या आएगा, एक से बड़ा। चलो निकाल के भी देख लेते हैं, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 7 आ गया, तो आंसर आ गया 1.42। निकाल के देखना ये 1.42 जल्दी कर लो। आंसर आ रहा है ना? अरे ध्यान से देखो, आपने डेंसिटी निकाली सब सब्सटेंस की, इसको कंपेयर करो वाटर की डेंसिटी से, ज्यादा आ रही है कि कम आ रही है। इसका मतलब ये क्या करेगी, सिंक, ये सिंक कर जाएगी। क्या कर जाएगी, सिंक। हाँ या ना? यस सर। पॉइंट क्लियर हो गए? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, जब ये सिंक करेगी, आप सपोज करो जैसे आपने पानी में डाला तो ये पानी में सिंक करेगी, नीचे जाएगी। अच्छा सिंक का मतलब क्या है, कौन ज्यादा वेट ज्यादा की बियॉन्ड फोर्स ज्यादा, वेट ज्यादा, वेट ज्यादा। यस सर। अब उन्होंने मतलब आपको, अच्छा ये आपको पता लग गया कि यहाँ पे वेट ज्यादा है बियॉन्ड फोर्स से। उन्होंने आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट, कि वाटर का मास कितना है जो वो डिस्प्लेस कर रहा है, मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द वाटर। अच्छा एक बात बताओ, जब ये पूरी बॉडी अंदर होगी, आपको कंसेप्ट बताया था जब पूरी की पूरी बॉडी अंदर है, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी। अच्छा आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कितनी दे रखी है, 350 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, उन्होंने आपसे पूछा है मास, क्या पूछा है, मास, डेंसिटी का फॉर्मूला बताना जरा, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, मास। देखो डेंसिटी ऑफ वाटर क्वेश्चन में दे रखी कितनी, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, इनटू वॉल्यूम कितनी आ गई, 350। हाँ या ना? यस सर। ये कट जाएगा और इसका आंसर कितना आ गया, 350 ग्राम। इसका मतलब व्हाट इज द मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, 350 ग्राम। आपको कंसेप्ट का मतलब समझ आया मैंने क्यों बताया था? देखो ध्यान से बेटा, बॉडी अगर फ्लोट कर रही ना पानी के ऊपर, तो कभी भी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ द बॉडी के बराबर नहीं आएगा। बट बॉडी अगर सिंक कर चुकी है ना पानी के अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ द बॉडी के बराबर है। पॉइंट क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर। देखो इसी की मदद लगी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। क्या करेंगे इसके लिए, क्या करेंगे इसके लिए, इसके डेंसिटी निकालोगे सब्सटेंस की। ठीक है, देखो वो कहते हैं
कि वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम मतलब आपको सब्सटेंस का क्या दे रहा, बॉडी का क्या दे रखा है, मास, उसकी वॉल्यूम कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो बॉडी है जिसका मास 50 ग्राम है और वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है, ये पानी में जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स है, ये इसमें डूबेगा कि तैरेगा। आपको एक तरीका बता चुका हूँ, अगर आपको चेक करना है कि ये सब सांस पानी में डूबेगा कि तैरेगा, तो आपको सब सांस की क्या चाहिए, डेंसिटी। हाँ या ना? यस सर। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, मास कितना है 50 और वॉल्यूम कितनी है 20। ऊपर बड़ा नीचे छोटा, आंसर एक से बड़ा। यहाँ वाटर की डेंसिटी कितनी है, तो फ्लोट करेगा कि सेम, बिल्कुल सही। यहाँ ये क्या करेगा, सेम। अब इसका रीजन क्या, अब बोलोगे देखो जी जैसे कि आपको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर से क्या दिख रही है, ज्यादा, क्या दिख रही है, ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ इसके कारण ये क्या कर जाएगा, सेम। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डालता हूँ आपको, हाइपोथेटिकल है मतलब इसका अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं, इसका आंसर आ रहा है 2.5। अच्छा, यहाँ पे ना आपने एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाया, क्या बनाया वो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस का मतलब इसकी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिख सकती है, यस सर। यहाँ पे एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है 1, क्योंकि वाटर है। यहाँ पे एक लिक्विड है और उसकी डेंसिटी है 3.5। ठीक है, ये वाटर का टॉप लेवल है। एक बात बताओ, आपने अब इसी सब्सटेंस को ना ऊपर से गिरा दिया, क्या हो, हाँ जी, अगर तो उसकी डेंसिटी 1 से ज्यादा हो, बेटा मैंने बोला तो इसी सब्सटेंस को फेंका, इस सब्सटेंस की डेंसिटी है 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, क्या होगा, नीचे वाले सब्सटेंस पे जाके बैठ, कहां पे 3.5, कहां पे, क्या करेगा वहां पे जाके, नहीं वहां पे जाके सेटल हो जाएगा, मतलब यहां पे जाके उसके बीच में भी कहीं, यहां पे देखो ध्यान से, इस बॉडी की डेंसिटी कितनी है, हां जी बोलो, बीच में, कहां, यहां पे, इन दोनों के बीच, यहां पे दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में, ऐसे यहां दोनों सब्सटेंसेस के बीच में, वहां भी तो बॉडी के बीच में, बीच कहां हुआ, वहां पे सेपरेशन लाइन, अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ बॉडी की डेंसिटी है 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, जैसे आपने इसको इसके अंदर डिप करा, पहले वॉट यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी कितनी थी, 1, तो इसकी डेंसिटी लिक्विड से क्या है, ज्यादा, सिंगल जाए, अच्छा जैसे ही नीचे ट्रेवल करके यहाँ पे आया, यहाँ पे एक लिक्विड पड़ा जिसकी डेंसिटी कितनी है, 3.5, और इसकी डेंसिटी कितनी है, 2.5, क्या करेगा, फ्लोट, इस तरह से ऐसे इसके ऊपर आके फ्लोट करने लग जाए, समझ आ गई बात, यस सर, आया ना, यस सर। देखो आई फ्लू है, शायद मेरे को भी हो रहा है, पर है बेटे, है तो आपको से बताओ, ओ है यार, दो सिम्टम है, लाल आंख और पानी है, हां लाल आंख है और पानी भी निकल रहा है, अब आता ना किसी को भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, क्वेश्चन समझ आया, यस यस, बुक उठा ले, बुक नहीं है, शेयर करो, क्वेश्चन समझ आया, वो कहते हैं ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक है, कोई प्लास्टिक का ब्लॉक है, उसको पानी के अंदर रिलीज किया गया, वो सरफेस के ऊपर आ गया, कारण, बेटा हर क्वेश्चन को आप डेंसिटी डेंसिटी से क्या रिलेट करने लगते हो, आपको फोर्सेस के बेसिस पे बताओ, देखो इसके दो तरीके से आंसर दे सकते हो, कैसे, एक तो आप बोलोगे सपोज करो आपका ये वो ब्लॉक था, है ना, जैसे वो किसी लिक्विड के अंदर दो फोर्सेस लगती हैं, एक बायोंट फोर्स और एक वेट, हाँ या ना, यस सर। अच्छा अब ये बॉडी ऊपर आ रही है, इसका मतलब बड़ी फोर्स कौन है, बायोंट फोर्स, तो पहला रीजन क्या दोगे कि बायोंट फोर्स वेट से क्या है, ज्यादा, पहला रीजन दे दिया, दूसरा रीजन क्या दोगे कि इस बॉडी की जो डेंसिटी है वो इस लिक्विड की डेंसिटी से क्या है, कम 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 कम, तभी तो ऊपर जा रहा है वो, ज्यादा नहीं, चलो
क्वेश्चन समझ आ गया था? Yes, sir. आपको इसका दोनों तरीके से आंसर देना है, पहला कि बायोट फोर्स ज्यादा वेट क्या है कम, दूसरा बॉडी की डेंसिटी पानी की मतलब लिक्विड की डेंसिटी से क्या है कम. चलिए, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायोट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड एक्स, किस डायरेक्शन में बायोट फोर्स काम करती है, किस डायरेक्शन में? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एक बॉडी के ऊपर थ्रस्ट किस डायरेक्शन में काम करता है, थ्रस्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनो, एक बॉडी लिक्विड के अंदर है, ठीक है? आपने बिल्कुल सही बता दिया कि जो बायोट फोर्स है वो अपवर्ड होती है, बिल्कुल सही, ये तो आंसर सही है. अब जब तक बॉडी के ऊपर थ्रस्ट किस डायरेक्शन में लग रहा है, हाँ जी बेटा, वो तो डेफिनेशन होगी ना थ्रस्ट की, कि एनी फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट इज थ्रस्ट. मैं बोल रहा हूँ थ्रस्ट किस डायरेक्शन में, हाँ जी रीति का है गलत, हाँ मेरे मायने बिल्कुल सही. देखो इस बॉडी के ऊपर थ्रस्ट इधर भी तो लग रहा है, तो ये कौन सी लेफ्ट राइट डायरेक्शन होगी, यहाँ जो डायरेक्शन लग रहा है फोर्स थ्रस्ट लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन होगी, यहाँ से ऊपर भी तो लग रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन होगी, और यहाँ से नीचे भी तो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी. अच्छा सपोज करो ये वो बॉडी है, तो इस पे थ्रस्ट इधर भी लगा, इस पे थ्रस्ट इधर भी लगा, इस पे थ्रस्ट ऐसे भी लगा, इस पे थ्रस्ट ऐसे भी लगा, क्या बस यही लगा थ्रस्ट की और भी लग सकता है? बेटा इधर भी तो लगा इस वाले फेस पे, इधर भी तो लगा और इधर भी लगा, बट ये थ्रस्ट क्या करते हैं, ये थ्रस्ट क्या करते हैं, क्या ये थ्रस्ट और ये थ्रस्ट कैंसिल करते हैं? इनकी वजह से क्या बनती है, बायोट फोर्स. बिल्कुल सही. मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, तुम अगर कंसेप्चुअली साउंड हो ना, कंसेप्चुअली साउंड मतलब तुम्हें अगर कंसेप्ट आता है, तुम्हें समझ आ गया, मुझे तुम्हारे नंबर मैटर नहीं करते, मैं साफ बोल रहा हूँ, कंसेप्चुअली साउंड बनो बेटे, सही बता रहा हूँ, नंबर ऊपर नीचे चल जाते हैं पर कंसेप्ट इधर उधर नहीं चलते. यू हैव टू बी कंसेप्चुअली साउंड. आप चाहे 80 में से 60 नंबर ले आओ, बट मुझे पता ना मेरे बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, हाँ ठीक है वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाया और उसका कंसेप्ट क्लियर है, कई बार हमें एक्सप्रेशन में दिक्कत आती है, ठीक है? बट अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है ना, मुझे पता लग जाएगा हाँ तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है या नहीं. जैसे अभी उसने आंसर मैंने बहुत सही आंसर दिया कि हर डायरेक्शन में लग रही, क्योंकि उसका कंसेप्ट क्लियर है. अब चाहे उसका नंबर कम भी आया ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई गम नहीं है मुझे, तो मुझे पता है मैंने बच्चे के अंदर कंसेप्ट डाल दिया, वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं जाके उसका निकलेगा जरूर, उसकी नॉलेज कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी, ठीक है? A ball thrown vertically upward, 18th question, a ball thrown vertically, thrown up vertically, returns to the thrower after 6 seconds. Find the velocity with which it is thrown up, B, the maximum height it reaches, and C, its position after 4 seconds. बहुत ही अच्छा question है, मतलब बहुत ही बढ़िया question है, ठीक है? तो याद है ये हमने free fall करा था? Yes sir. ये उसी का question है, ये समझ लो वो ball है, ऐसे बॉल को फेंका क्या, इसलिए मैं ना क्रिकेट से रिटायर हो गया था, पता छोटी एज में तो पता लग गया था है नहीं मेरे में. चलो मैं क्रिकेट खेलता था एक्चुअल में, अच्छा खेलता था निकम्मा, बस हाइट छोटी की वजह से रह गया. चलो तो ध्यान से देखो, इस तरह से एक बॉल को फेंका गया, अब दोनों हाथों से कैच करता हूँ, तो वो बॉल को फेंका और बॉल 6 सेकंड के बाद थ्रोअर के हाथ में आ गई वापस, ठीक है? तो आप सबसे पहले सिचुएशन इमेजिन करो, ये वो बॉल है, इसको ऐसे ऊपर फेंका गया, ये बॉल की ट्रेजेक्टरी रहेगी, ठीक है? ये ऊपर जाके नीचे आने में इसको टोटल टाइम लग रहा है, वो लग रहे हैं 6 सेकंड. तू मुझे बता सकता है ये टाइम को हम क्या नाम से बुलाते हैं? इस टाइम को हम किस नाम से बुलाते हैं? मैंने आपको कंसेप्ट ये जब मैंने आपको टॉपिक करवाया था उसमें बताया था, बॉडी जितनी देर हवा में रहती है उस टाइम को क्या बोला जाता है? बिल्कुल सही, टाइम ऑफ फ्लाइट. बेटा दिस टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट. अच्छा क्या आप मुझे इसी टाइम से बता सकते हो बॉडी को ऊपर जाने में, सिर्फ ऊपर जाने में कितना टाइम लगा होगा? 3 सेकंड. बिल्कुल सही, मतलब बॉडी को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा होगा? 3 सेकंड. और बॉडी को नीचे आने में भी कितना टाइम लगा होगा? 3 सेकंड. बिल्कुल सही कंसेप्ट बोल रहे हो तुम लोगों के, समझ आ गया? तो ऊपर जाने में कितना टाइम? 3 सेकंड. नीचे आने में भी कितना टाइम? 3 सेकंड. अब मुझे अब यहां से बताओ बॉडी 4 सेकंड के बाद कहां पे होगी?
वापस आ जाओ, बिल्कुल सही। देखो इमेजिनेशन का प्लस कंसेप्ट इक्वल टू न्यूमेरिकल सॉल्व। देखो 3 सेकंड तो उसको ऊपर जाने में लग गए, हाँ या ना? Yes, sir. चौथा सेकंड आते आते वो नीचे आ रही होगी ना, इसका मतलब वो तकरीबन यहाँ पे रही होगी। Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. आपको ये तो पोजीशन निकाल लेंगे, क्लियर? चलो अब आपको ये गिवन डाटा था वो तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको निकालना क्या क्या है। आपको निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से बॉडी को फेंका दो, ठीक है? आपको सबसे पहले यू निकालना, उसके बाद आपको निकालना था मैक्सिमम हाइट, कि मैक्सिमम हाइट कितनी रही होगी बॉडी की, ठीक है? उसके बाद आपको पोजीशन निकालनी है बॉडी की। अच्छा देखो मैं पोजीशन को वाई एक्स ऑर्डिनेट कर रहा हूँ, मुझे कोई बताएगा क्यों? यहाँ मैंने पोजीशन को वाई एक्स ऑर्डिनेट किया, एक्स से नहीं, क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन को हम वाई एक्स से डोनेट करते हैं, समझ आ गया? यहाँ पे मैंने पोजीशन आपको किस पे निकालनी है, वाई इक्वल टू 4। एक एक करके शुरू करते हैं, क्लियर? यस सर। अच्छा सबसे पहले यू का शिकार करते हैं, ठीक है? यू का शिकार करने के लिए ना आप ऐसा करो, इस ट्रैजेक्टरी को ना नंबर दे दो ए बी एंड सी। अच्छा हाईएस्ट पॉइंट में जाके कि इवेंट होता क्या होता था? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जाके कितनी होती है? जीरो। अच्छा अब ऐसा करते हैं ना, अपा सिर्फ ए टू बी का मोशन ले लेते हैं, अपा ए टू बी का मोशन ले लेते हैं, इसमें यू तो आपको निकालना ही है, हाँ या ना? अच्छा इसमें वी कितना होगा? जीरो। बी पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। अरे एक बात बताओ, यहाँ पे पहुंचने में टाइम कितना लगा? कौन सी इक्वेशन लगाओगे? अरे ए क्या आएगा? ए क्या आएगा? जो क्वेश्चन में दे रखा क्या? नहीं दे रहा। क्या लेनी है? यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन लगे? बिल्कुल सही, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब वी तो हमारा जीरो ठहरा, यू आपको निकालना, तो यू माना हुआ ए की वैल्यू -9.8 और टाइम है 3 सेकंड। अभी पूरी टर्म इधर आ जाएगी, देखो नेगेटिव के साथ आते इधर आके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव आ गया। 9.8 × 3 = u, u का शिकार हो गया। देखो u की वैल्यू कितनी आ गई? 29.4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे u की वैल्यू लिख दो कितनी? 29.4 मीटर पर सेकंड। स्क्वायर किसने बोला? मैंने बोला था। आप तुम भी रटो, तुम भी रटो ऊपर की तरफ पीछे बोले जाओ बेटा, स्केयर नहीं आएगा यहाँ पे 29.4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी है। स्केयर किसमें आता है? एक्सीलरेशन में। बिल्कुल सही। आज इतनी खुशी हो रही है ना, इतनी खुशी हो रही है ना, दिल करा छलांग मार दो खुशी के मारे, मारूंगा नहीं भाई। चलो अब मैक्सिमम हाइट निकाल लिया आपको। यस सर। अच्छा हाइट के लिए तुम मुझे बताओगे कहाँ से कहाँ तक मोशन का सेटअप करोगे? ए टू बी। ए टू सी कौन कह रहा है? बेटा ए टू बी, देखो ए टू बी के बीच में मैक्सिमम हाइट आ रही है आपकी, ये देखो ए टू सी के बीच में तो वो वापस आ चुका है, तो मोशन कहां तक कंसीडर करोगे? ए टू बी, क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, ये तो मैक्सिमम हाइट होगी, आपको नहीं लगता डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होगी? यस सर। हां या ना? यस सर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हमारी मैक्सिमम हाइट आ गई, तो इसका मतलब ए टू बी में अब आपको क्या निकालना है? एस। आपको क्या दे रखा है? यू, क्योंकि आप यू निकाल चुके हो ना। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर v हमारे, यहाँ पर बताओ a to b में v कितना आएगा? जीरो। अच्छा u कितना है? 29.4। उसके बाद a कितना है? -9.8। अच्छा ये u पॉजिटिव आएगा नेगेटिव में आएगा? a to b पे u पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। क्यों? ऊपर जा रहा है। बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही। कितना खुशी करोगे तुम लोग मुझे, थैंक यू। मेरा सारा गम खत्म हो गया एसी की चोरी का, ठीक है? 7,000 रुपये लगवाया मैंने आज, तो बता मैंने क्या किया। मैंने सोचा कि ऐसा डिवाइस बनाऊं जो ना, मैंने वैसे उसको पाइप्स को ना जाली से कवर करवा दिया, अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा डिवाइस बनाने को जो मैं पाइप तारों और जाली के साथ लगा दूं, जैसे ही उस जाली को कोई टच करे ना, सर्किट कम नहीं, करंट नहीं, सर्किट कम्प्लीट हो गया, वहां पर सायरन बजने लग गए। पहले मैंने करंट का सोचा था, पर करंट का एक नुकसान था, बिल्डिंग में करंट आ सकता है बारिश वाले दिन, बिल्डिंग में करंट आ सकता है ना बारिश वाले दिन, तो मैंने डिवाइस बनाने की सोची। अब देखो ये डिवाइस बनता कि नहीं बनता, कि अगर हमने जाली का लगते हो साइंस का फायदा उठाना चाहिए ना। पहले मैंने जेनुअली करंट सोचा था, मैंने भाई साहब बिल्डिंग मेरी होती ना, मैं पक्का करंट लगाता सोचता। हाँ मैं करंट कम कर देता, मैं करंट को 220 वोल्ट की जगह 50 वोल्ट का कर देता, 100 वोल्ट का कर देता, ये बंदा चिपकता ना, पर बिजली के झटका को तगड़ा लगता, सारा नशा उठ जाता उस बंदे का। भाई साहब यहाँ एसी में पढ़ा रहा हूँ,
एकदम से पुलिंग बंद हुई, इसकी पाइप्स ना वॉशरूम में से होके जाती हैं। मैं वहां गया, लगा हुआ खींच रहे, अच्छा मैं इधर से भागा हूँ, मेरे को देख के भागने लगा, भागते भागते गिर गया। अच्छा गिरते गिरते मैं चैन नहीं आ रहा कि मैं रुक जाऊँ, अब ईंट उठा रहा मेरे को मारने के लिए, शोकर ईंट उठा के मारनी थी मेरे, नहीं तो उसको क्या जाना था, मेरा सिर फट जाना था। फिर उसकी जो सेवा करी ना हमने, बहुत सेवा करी। नहीं, टाइम भी है, यू भी है, तो सेकंड भी लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं यहाँ पे थर्ड लगा रहा हूँ। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। अच्छा v तो 0 है, ये है 29.4 का स्क्वायर। अच्छा आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना, मैं सॉल्व भी करूंगा, मैं यहाँ पे एक ट्रिक खेलूंगा, आपको बताता हूँ कैसे। तो इसकी वैल्यू कितनी ले ली, -9.8। अच्छा देखो ये बचेगा 29.4 का स्क्वायर, मैंने इसको ऐसे खोल लिया, 29.4 एंड 29.4, ठीक है। अच्छा इनटू -2 इनटू 9.8 इनटू s, पहले तो माइनस माइनस खत्म करो। अच्छा यार 29.4 कैसे बना था, 9.8 इनटू 3 से आ गया ना, यस सर। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, 9.8 इनटू 3 इनटू 29.4 इज इक्वल टू 2 इनटू 9.8 इनटू s, हां या ना, यस सर। देखो ये 9.8 एंड 9.8 कैसा दिख रहा है ना, यस सर। आप लोग इसको पहले स्क्वायर को सॉल्व करोगे, वापस दोबारा 9.8 से डिवाइड करोगे, तो चालाकी मारनी सीखो। 29.4 को सॉल्व नहीं करना, क्योंकि कटिंग में आएगा, क्योंकि मुझे याद था ना 29.4 बना कैसे था, 9.8 से मल्टीप्लाई करके, और इधर 9.8 आ रहा है, तो मैंने 9.8 और 9.8 काट दिए। अच्छा अब बचा क्या, बचा ये 3 into 29.4 equal to 2 into s। अरे देखो 0.4 है ना, ये ऑड है कि इवन, इवन है ना, तो इवन नंबर 2 पे जाते हैं ना, यस सर। तो मैंने यहां पे 2 के टेबल पे कटिंग कर, देखो आ गया 1, फिर आ गया 4, फिर आ गया 7, 14.7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 21, 2 आ गया, फिर 3 4 12, 2 कैरी करा 14 आ गया 1, ये आ गया 44.1। ये आपके पास क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने हाइट की भी शिकार कर दिया, हाइट कितनी आई 44.1 मीटर, क्लियर है, यस सर। अब बचा क्या, पोजीशन एट 4 सेकंड, पोजीशन एट 4 सेकंड, ये बचा ना, yes, sir। अच्छा अब ऐसा करो, ये 4 सेकंड वाला पॉइंट मान लो, इसको डी बोल दो, क्या बोल दो, डी। अब हमें ये निकालने के लिए हमें मोशन कंसीडर करना है, ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक, क्लियर। अरे एक बात बताओ, अगर आप ए से डी की डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, वही तो पोजीशन है बेटा, एक्चुअल में जहां से मोशन स्टार्ट होता है ना, उस पोजीशन को जीरो मानते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने, तो इस बॉडी की किस पॉइंट की क्या आ गई, पोजीशन आ गई, हाँ या ना, yes, sir। तो मैंने ए से डी का मोशन माना, इससे मेरे को क्या क्या पता है, इसमें मेरे को यू पता है कितना है 29.4, आपको एस निकालनी, टाइम आपको पता कितना है 4 सेकंड, और आपके पास ए कितना दे रखा है -9.8 मीटर पर सेकंड। कौन सी इक्वेशन लगती दिख रही, सेकंड, सेकंड इक्वेशन लगाई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस तो निकालना ही था, U कितना है 29.4 इनटू टाइम कितना है 4 सेकंड। अच्छा यहां से देखो, यहां 9.8 की वैल्यू डालोगे, यहां -9.8 आ गया, और यहां पे t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 16, तो यहां पे कटिंग होगी 8 आ गया, हां या ना, यस सर। अच्छा अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने बैठ जाओगे, मैं वो भी नहीं करूंगा, मैं चलाकी मारूंगा, मैं लिखूंगा इसको 29.4 को मैं लिखूंगा 9.8 इनटू 3 इनटू 4, हां है ना, यस सर। और इसको मैं लिख दूंगा -9.8 इनटू 8, क्लियर, हां है ना, यस सर। 9.8 इन दोनों में से मैंने क्या ले लिया, कॉमन, 3 4 12 12 -8,
12 माइनस 80 बचा ना 9.8 से कॉमन आ गया तो कितना आ गया 9.884 हां या ना यस सर अब मल्टीप्लाई कर दो यहां आ गया 23 9.36 और ये आ गया 39.2 इसका मतलब है कि यहां पे डी पॉइंट पे ये जमीन से कितनी दूरी पे है 39.2 मीटर मतलब इसकी पोजीशन कितनी होगी इसकी होगी पोजीशन प्लस 39.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड क्लियर है यस सर हां या ना यस सर अरे यहां से मैं देखता हूं तुम लोगों का आईक्यू कितना तेज है मुझे बताओ यहां पे इस बॉडी में T3 से लेके T4 तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर माइनस से माइनस क्या माइनस क्या क्या माइनस करेंगे आंसर बताओ यार 44 आंसर बताओ जल्दी इतना तो होना ही नहीं चाहिए जल्दी से आंसर बताओ 4.9 बिल्कुल सही आंसर बेटा देखो ध्यान से मैं लॉजिक समझाता हूं मैंने आपको बोला T3 से लेकर T4 तक का मोशन बताओ T3 पे बॉडी कहां पे टॉप पे टॉप से कितनी मतलब हाइट पे बड़ी हुई है वो 44.1 पे यस हां या ना यस सर 4 सेकंड पे पोजीशन क्या 39.2 इसका मतलब ये ऊपर से क्या आई है नीचे माइनस ही करना था और क्या करना था इन दोनों को और क्या करना था माइनस समझ आ गया यस सर अच्छा एक और बात बताओ टी इक्वल टू 6 पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0 गलत इनिशियल वेलोसिटी गलत टी इक्वल टू 6 पे टी इक्वल टू 6 पे क्या हो रहा था मोशन एंड हो रहा था ना 6 सेकंड के बाद बॉल वापस आ रही थी मुझे उसकी वेलोसिटी बताओ गलत जिनका जो बोल रहे हैं ना वो ऑप्शन दोबारा नहीं मिलेगा तू उदाहरण बोलेगी हां जी और कोई मैंने बोला T6 मतलब जब बॉल वापस आई उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी 39.4 गलत सही भी है और गलत भी -39.4 यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी -29.4 और नीचे आ रही है ना और आपको ये भी तो बताया था सेम लेवल पे वेलोसिटी क्या होती है सेम तो यहां अगर ऊपर 29.4 है तो यहां पे नीचे 29.4 समझ आ गया यस यू हैव टू बी कंसेप्चुअली स्ट्रांग साउंड बनो कंसेप्चुअली ये है क्या ऐसा होना चाहिए तुम्हारा एटीट्यूड समझ आ गई देखो ऐसा एटीट्यूड पता कब बनेगा जब तुम लोग करोगे प्रैक्टिस ठीक है ना कि मायूस होके खड़े हो जाओ चलो अगला क्वेश्चन अच्छा था ना यस सर अच्छा ये 17th क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले yes, जब हमने दो भाइयों को मिलाया था दो मिछड़े भाइयों को मिलाया था है ना अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड द सन गिवन द मास ऑफ अर्थ इज दिस 6 × 10^24 एंड ऑफ द सन इज 2 × 10^30 द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू इज 1.5 × 10^11 अच्छा पता है इसको क्या बोलते हैं 1.5 × 10^11 को पता क्या बोलते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या बोलते हैं बेटा उन्होंने बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द टू मतलब सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस है वो है 1.5 × 10^11 आपको पता है इस वैल्यू को ना 1 AU बोला जाता है क्या बोला जाता है 1 AU आपको पता है ये 1 AU यूनिट कहां यूज होता है स्पेस में आपको पता है स्पेस के यूनिट्स क्या होते हैं स्पेस का सबसे कॉमन यूनिट कोई बताएगा मेरे को क्या होता है यस लाइट ईयर क्या होते हैं लाइट ईयर कितना डिस्टेंस होता एक ईयर में कितना टाइम एक ईयर में कितना टाइम बोलने से पहले सोच तो ले एक ईयर में कितना टाइम हां क्या एक ईयर तो पहले डिफाइन कर चुकी है टाइम कहां से आ गया फिर मतलब हां हां बताओ ना कोशिश कर कोशिश कर हां जी एक साल में कितना लाइट ट्रैफिक कितनी बार है वो ट्रिप पे ले रही है कितने टाइम ना लाइट टेक्स वन ईयर टू रीच अ डिस्टेंस नो लाइट भी ओपन हो जाती है सन की लाइट को यहां आने में 8 मिनट लगते हैं तुमको मिल नहीं रहा था अभी मारे हां जी सर एक साल में लाइट की स्पीड से ट्रांसफर एक साल से एक साल में कितनी देर लाइट की स्पीड से ना बेटा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर ना एक्चुअली डिस्टेंस होता है कि कौन सा डिस्टेंस 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट इन 1 ईयर बस 1 लाइट ईयर
is the distance traveled by light in 1 year. बात खत्म. हमें ये बोला था. तो ये बोला था क्या इन्होंने? नहीं ना. One light year is the distance traveled by the body in one. Yeah, distance traveled by the body. अच्छा ऐसे भी बोल सकते हो. One light year is the distance traveled by the body traveling at the speed of light in 1 year. बेटा कैलकुलेट कर लो आप. देखो मैं बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करना. एक साल में दिन होते हैं 365, है ना? तो 365 को पहले मल्टीप्लाई कर ले 356 के अंदर. हाँ इसको चेक चुक कराओ. पर्ची मैं कटवाता हूँ इसकी. नहीं 366 होते हैं लीप ईयर में. अच्छा ध्यान से देखो भी. एक साल में तीन ओए एक साल में दिन होते हैं 365. तो 365 दिनों में घंटे होते हैं 24 घंटों में मिनट 60 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड आ गया 60. ये तो टाइम आ गया कि एक साल में टाइम कितना होता है सेकंड्स में. लाइट की जो स्पीड होती है ना वो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड. इसका मतलब लाइट एक सेकेंड में 3×10⁸ मीटर मतलब 300,000 किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है. कुड यू इमेजिन द स्पीड ऑफ लाइट एक सेकेंड में 300,000 किलोमीटर. 300,000 किलोमीटर. 300,000 किलोमीटर ट्रेवल करती है. कुड यू जस्ट इमेजिन द स्पीड. अब वो साउंड की जो स्पीड होती है साउंड की वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है. कितनी? 332. एंड नाउ इमेजिन द स्पीड ऑफ लाइट 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड. 30 करोड़. तो सोचो अब वो हम इतना पावरफुल इंजन कभी जिंदगी नहीं बना पाएंगे. लाइट की स्पीड से हम कभी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे. एक्चुअल में मैं आपको मोटा मोटा बता दूं तो हम उसके क्लोज भी नहीं जा पाएंगे उस स्पीड के. हाँ हम पार्टिकल को किसी छोटे पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा सकते हैं. अरे मैं आपको ना एक मॉडल बताऊंगा. हाँ 2012 में ना हवा चली थी कोई पाइप कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है पाइप में पार्टिकल फट जाएंगे दुनिया मर जाएगी. एक ना बात चली थी 2012 में. आप सब बहुत छोटे थे. कोई ना एक्सेलरेटर मतलब एक मशीन थी एक्सेलरेटर बोलते हैं उसको पार्टिकल एक्सेलरेटर. एक्चुअल में चल रही थी शायद स्विट्जरलैंड में. हाँ शायद कोई पक्का नहीं याद. तो वो एक पार्टिकल को ना एक छोटे से पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट जितना एक्सेलरेट करवा सकती. मैं आपको उसका एक मॉडल बनाकर दिखाऊंगा वो कैसे एक्सेलरेट करवाती है. मुझे बस उसके लिए एक पीवीसी की पाइप चाहिए. हम किस दिन एक्सपेरिमेंट करेंगे. मैं जस्ट ना बिना किसी इंजन के बिना किसी फ्यूल के आपको एक पाइप में से एक पार्टिकल निकाल कर दिखाऊंगा वो इतना तेज ट्रैवल करेगा कि शीशा तोड़ देगा. कौन सा बकेट वाला चलो भी क्वेश्चन नंबर 16 करें. बस क्वेश्चन नंबर 16 करें बड़ा जल्दी से. कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड द सन गिवन द मास ऑफ अर्थ एंड द मास ऑफ सन इज दिस द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू इज दिस. हां जी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालने के लिए फार्मूला क्या लगता है. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालने के लिए फार्मूला क्या लगता है. देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अगर आपको बॉडी से बीच में निकालनी तो आप लगाते हो g m1 m2 r2. यहाँ पे m1 आ जाएगा मास ऑफ अर्थ दैट इज 6×10⁴ kg. मास ऑफ सन क्या आ जाएगा. यहाँ पे दूसरी बॉडी आ जाएगी सन 2×10⁴ kg एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1.5×10⁻¹¹ मीटर. वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा. ठीक है बस इसमें वैल्यू डालो कैसे. अच्छा g की वैल्यू क्या होती है. -9 g की वैल्यू 6.5 मीटर. मैंने मीटर लेगा मीटर वो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इनवर्स. यार टू पावर की तरह पीछे पीछे ना बोल रहा हूं पता होता नहीं. चलो बाकी क्वेश्चन कल करते हैं.